हेलो एवरीवन, आई एम अनर फ्रॉम लॉ फैकल्टी ऑफ ग्लोबल टीचर्स अकेडमी एंड टुडे आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इंडियन पीनल कोड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से इंडियन पीनल कोड सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। सो इस ओवरव्यू में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं इस सब्जेक्ट में वो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आईपीसी जो है इट इज इंडियन पीनल कोड इज डीलिंग अबाउट द पनिशमेंट्स एंड इट डिस्क्राइब्स द पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंसेस। तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी लाइन बता दी है इस सब्जेक्ट के बारे इस टॉपिक के बारे में, इंडियन कोड के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम ये चीज़ समझते हैं डैट इंडियन पीनल कोड जो है ये डील किसके साथ करता है, पनिशमेंट्स फॉर वेरियस क्राइम्स एंड ऑफेंसेस। व्हाट इज इट डीलिंग विद पनिशमेंट्स फॉर क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स ऑफ क्राइम एंड ऑफेंसेस एंड व्हाट आर दीज क्राइम्स एंड ऑफेंसेस एंड व्हाट आर द क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, व्हाट आर दोज क्राइम्स एंड ऑफेंसेस। सो ये आप देख लीजिए, पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स एंड ऑफेंसेस एंड व्हाट आर दीज क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा दैट अब हम इसको आराम आराम से समझते हैं, जो क्राइम का मीनिंग है, क्राइम का मीनिंग जो है जैसे कि मैंने हमको समझाया था, क्राइम जो है का क्या होता है, एनीथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, जेल भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब है अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। क्राइम में याद रखेंगे हम दैट इसको समझते हैं दैट देर आर फोर स्टेजेस ऑफ क्राइम, चार सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपने अगर कोई चार पर्टिकुलर सीढ़ियाँ चढ़ी है इस डायरेक्शन में तब आप कह सकते हो आपने क्राइम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट हम समझते हैं इसको क्राइम के जो फोर स्टेजेस है, फोर स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एब्रीवेशन बताऊंगा, आई पैक, यह आप समझ लीजिए आई पैक। वॉट इज आई, इटेंशन, हम ऐसे समझते हैं। ए पी, पी क्या है, प्रिपरेशन, या पी देखते हैं पी इन प्रिपरेशन। ए इज अटेम्प्ट एंड सी इज क्रमिशन और अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ क्राइम। अब आप देख लीजिए इसको, इस एप्लीकेशन को आई पैक हम ऐसे करके समझते हैं। मैं आपको एब्रीवेशन बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा और आप अपने माइंड में कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेफिनेशन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एब्रीवेशन के। बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको आपका काम आसान बना देंगे आपको एब्रीवेशन से समझा रहा हूँ। आई पैक जो आपने देखा, इंटेंशन, ये बहुत ही बेसिक बात है दैट जो हम पढ़ते भी हैं, या हम अगर कोई सोचें अभी क्राइम कैसे होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इंटेंशन, दैट इज क्रिमिनल माइंड, क्या आपका मकसद था वो करने का। पी दैट इज प्रिपरेशन, आपने क्या क्या चीज़ें जमा करी वो क्राइम करने के लिए, व्हाट वर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम, समझ लो अभी कि आपने कैसे प्रिपेयर किया कि आपको अगर कोई क्राइम करना है आप कैसे खत्म करोगे उस क्राइम, कैसे करना है वो, कैसे उसको उस अपने एक्ट को कम्प्लीट करना है, उस क्राइम को कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन जो है। फिर है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में आप याद रखना हमेशा दैट अटेम्प्ट जो होता है दैट इज एन अनसक्सेसफुल कमीशन ऑफ अ क्राइम। अनसक्सेसफुल कमीशन का मतलब ये होता है दैट आपका इंटेंशन भी है, प्रिपरेशन भी आपने करी है क्राइम करने की, आप कर भी रहे हो लेकिन आप चूक गए हो अपने गोल को अचीव करने से, जो क्राइम का आपका गोल अचीव करने का वो गोल आप पूरा नहीं कर पाए, तो दैट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज हम कहते हैं ना अटेम्प्ट करिए उसने, अटेम्प्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिश, जो आपने कोशिश करी है क्राइम करने की, और कोशिश कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, उसको कोई रोक भी सकता है।
And final stage of crime is commission. That is, you are successful in committing the crime, you have done the crime, and now you are liable for punishment. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. तो ये मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दी दैट क्राइम की क्या स्टेजेस होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ आफ्टर दिस मैं आपको एक ही समझाऊंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अबेटर. अबेटर कौन होता है? ये आता है, मैंने अभी याद रखी है, अंडर सेक्शन 108 ऑफ IPC. 108 ऑफ IPC इसके डेफिनेशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ. अबेटर इज एन एनी पर्सन जिसने हुज अबेटमेंट विल लीड टू द कमीशन ऑफ अ क्राइम, हु अबेट्स इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम और अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, हुज एक्ट अमाउंट्स टू द अबेटमेंट ऑफ द और अबेटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम और एन ऑफेंस और इज और द अबेटर ऑल्सो अबेट्स अबेटर आइदर अबेट्स इन. इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो अबेटमेंट ऑफ क्राइम करते हैं क्राइम वर्ड ऑफ इट. ये है इसकी दो डेफिनेशन है, अबेटर अंडर सेक्शन 108 ऑफ IPC. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अबेटमेंट ऑफ क्राइम और एन ऑफेंस एंड ऑल्सो अबेटमेंट ऑफ एनी सच एक्ट any such act which will lead to offense or a crime. इसकी दो डेफिनेशन है, इसमें तो डायरेक्टली कहना है अबेटमेंट ऑफ मैन ऑन ऑफेंस एंड अबेटमेंट एंड अनदर डेफिनेशन इज अबेटमेंट ऑफ एनी एक्ट विच विल लीड टू ऑफेंस और अ क्राइम. अबेटमेंट ऑफ एनी सच एक्ट, ये है अबेटमेंट ऑफ क्राइम डायरेक्ट, और ये है अबेटमेंट ऑफ एनी सच एक्ट जिसका तात्पर्य या रिपरकशन क्या होगा, दैट विल लीड टू एन ऑफेंस और अ क्राइम. अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज पढ़ेंगे अबेटमेंट से रिलेटेड, अबेटमेंट ऑफ क्राइम. कि मैंने आपको अबेटर की डेफिनेशन बताई, देर आर टू जनरल प्रिंसिपल्स दैट आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ क्रिमिनल लाइबिलिटी. और अब हम समझते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है. जस्ट बिकॉज आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो, आपको पता होनी चाहिए चीज, और अगर आपको कन्फ्यूजन है फिर मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ. क्रिमिनल लाइबिलिटी, मैं अभी आपको कहना था दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, लेकिन उससे मैंने समझाई क्रिमिनल लाइबिलिटी होती क्या है. समझ लीजिए आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं ना the person is responsible for an offense, the person is liable under an offense. uski liability kya hai, responsibility hai. usne kaam galat kiya hai, usne crime kiya hai, to usko a responsibility hai, aur responsibility under the eyes of law hai, usko punishment kaun si milegi. to ye hai criminal liability, isko kehte hain hum criminal responsibility. अब इस क्रिमिनल लाइबिलिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता था, सबसे पहले जो मैंने वो कहा था देयर आर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सामने मैंने आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताया, अब टू प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है? Mens rea in actus reus. These are the principles of criminal liability. और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Mens rea क्या होता है? The criminal mind और the guilty mind. कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने क्राइम करना था, क्या इंटेंशन था, क्या क्या आप सोच रहे थे उस टाइम पे. This is the guilty mind. And actus reus, actus क्या होता है? Actus क्या होता है? इसको देखो आप. एक्ट क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, कोई एक्टिविटी. एक्टस रियस, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो. जैसे एंड सी डिटी माइंड है, ये है डिटी एक्ट, कि आपने क्या काम किया जिससे आप क्राइम कह सकते हो, किया आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी आप इस पर बनती है, क्या किया आप.
छुरी उठाई है, मारने को दौड़े हो किसी को, क्या कर रहा है, दैट इज एक्टिव सीएस। और क्या सोच के किया था आपके दिमाग में जब जाया चला था, दैट इज मैन सीएम। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट। सो वी हैव गॉन थ्रू दिस। आपकी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेटेड है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है, व्हाट इज दिस, कोई आपने क्राइम किया है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर द आईज ऑफ लॉ। और ये तीन प्रकार की होती है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपकी इंडिविजुअल गलती है? दूसरा है ग्रुप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह लिख देता हूँ जहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। And the third one is constructive criminal इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे हम लायबल बन सकते हो क्राइम के लिए? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी क्राइम और एन इंडिविजुअल बेस? ग्रुप की, ग्रुप आपका है, आप लोग 6-7 लोग कोई क्राइम करने जा रहे हो तो आपका पूरा ग्रुप लायबल हो रहा है, उसकी एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट है। इसी में इसमें ये है कॉन्सेप्ट दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनली, यू आर क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट विच यू हैव नॉट कमिटेड बट फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। किसी और ने किया लेकिन आप पर एक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन, दैट इज यू आर नॉट डन द एक्ट योर सेल्फ बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यू आर हैविंग अ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्ट दैट इज डन और कमिटेड बाय अदर्स। किसी और ने किया लेकिन आप भी क्यों रिस्पॉन्सिबल? हम उसे डिलीवर की बहुत मेरे बहुत कैप्टे इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। सो अभी हमने ये सारा पढ़ा, अब क्या बताइए हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, फिर मैंने आपको बताया क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। और मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जब बताए, फिर इसमें इम्पॉर्टेंटली हम एक बार चीज़ पढ़ेंगे दैट जब क्राइम करते हैं ऑब्वियसली क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस जिसकी वजह से आप, ठीक है केस चढ़ेगा पर आपने गलती करी है, लेकिन वो ये देखा जाता है दैट उसमें आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करता है लॉ दैट देर आर एक्सेप्शंस, कि हमको चारा नहीं था तभी आपने क्राइम किया। देखिए क्रिमिनल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉर्न क्रिमिनल, उसका काम ही यही है क्राइम करना, दूसरा होता है जो कभी हालात के कारण फंस जाता है, उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो करना ही पड़ेगा, उसको क्राइम करना पड़ेगा। तो वो होता है कि वो मजबूर हो गया, उसमें कुछ जनरल एक्सेप्शन भी होता है, वी विल गो थ्रू दैट। व्हाट आर द जनरल एक्सेप्शन? मिस्टेक, then there is negligence, फिर उसके बाद unsound mind, फिर उसके बाद state of drunkenness। ये मैं आपको कुछ examples बता रहा हूँ, कुछ examples, वैसे आप डिटेल में बड़ी की क्लास में, लेकिन आपको कुछ रफली कुछ examples बता रहा हूँ। In sheep negligence, unsound mind, drunkenness, right,
and there is communication. ये कुछ एग्जाम्पल मैंने पूरा आपकी बताइए जनरल एक्सेप्शंस जिसके कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए आईपीसी क्रिएट करता है दैट ये कंसिडरेशन होती है जिसकी वजह से इंसान ने क्राइम किया था, जबकि उसकी बेचारे की गलती नहीं थी, उसका इंटेंशन नहीं था करने का, लेकिन वो फंस गया था और उसको मजबूरत वो काम करना पड़ा, गलत काम करना पड़ा। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन आएगी एक्सीडेंट, ये भी एक और है। तो ये मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन बता दिए हैं, डिटेल पे तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको राफी बता रहा हूँ। ये अब हम मैनू कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन्हीं जनरल एक्सेप्शन में। 76 सेक्शन ऑफ आईपीसी जो है यहाँ से जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट होती है। 76 सेक्शन सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी जो है सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी इट इज द इट्स यहाँ से आपकी जनरल एक्सेप्शन की स्टोरी स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू हो रही है। और इसको आराम से पढ़ते हैं, ये चलता है सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी तक, सेक्शन 76 टू 106 इज द जनरल। सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन, अब मैं आपको जैसे थ्री जीरो फोर ई ऑफ आई पी सी डेथ बाई नेग्लिजेंस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ वो जनरली बता रहा हूँ, ये जनरल चीज है सेक्शन 304 ई ऑफ आई पी सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ जो आईपीसी से आईपीसी में जो डिफाई होते हैं, जैसे मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताया था, अब मैं आपको सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी बता रहा हूँ, दैट इज डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये सारी कंडीशन ये हैं जिसकी वजह से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड दीज ऑल आर डीलिंग विद इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आईपीसी, हाउ दे आर हाईलाइटिंग वेरियस ऑफेंसेस एंड डेथ बाय नेग्लिजेंस कैसे। आपको पता ही होगा कई बार ऐसा होता है आज की डेट में भी दैट किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करा पेशेंट की डेथ, ठीक है, सो ये डेथ्स हो गई, ये कैसे हुई, ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ डॉक्टर्स। ये आप समझ लीजिए, मैं आपका काम आसान करने के लिए समझा रहा हूँ। इसके साथ आप करेंगे कि सेक्शन 304 और आईटीसी के साथ डेथ बाई नेग्लिजेंस जो है, अब केएमएस डॉक्टर है, समझ लो कि केएलएस डॉक्टर है, वो ठीक से उसको मेडिकल एड प्रोवाइड नहीं कर रहा पेशेंट को जिसके कारण उसकी डेथ, तो उसके ऊपर वो केस है डेथ बाई नेग्लिजेंस। कई बार ऐसा भी होता है हम इसको करेक्ट करेंगे मेडिकल रिलेटेड डेथ्स जो होती हैं, दैट ऑपरेशन हो रहा है, कुछ गलती कर दिया डॉक्टर ने जिसके कारण उसकी हेल्थ डिटोरेट हो गई पेशेंट की और उसकी डेथ, तो ये था सेक्शन 304 ए आईपीसी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का 304 डेथ। ये आप देखते भी हो गए, या आपने अगर आप में से किसी ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा या सोशल साइंस देखा होगा, डावरी डेथ एक सोशल ईविल है जो इंडिया सोसाइटी में इतना प्रेवलेंट है, और इससे ये पनिशमेंट भी प्रेस्क्राइब्ड 304 बी ऑफ आईपीसी डावरी डेथ के साथ डील करता है, और इसमें पनिशमेंट है 7 ईयर्स जेल एंड देयर इज फाइन। इसके अलावा याद रखिए 7 ईयर्स जेल, 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ऐसे हर बने रिकॉर्ड बता दी देन। फिर उसके बाद यह समझ लीजिए, देखिए इतना डेंजरस है ये डावरी डेथ, इसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, 7 साल की जेल है और फाइन। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी की जो है, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 304 आई क्या कहता है,
PADs are the abatement of the death of a child or a person who is of unsound mind. Section 306 of IPC, quite important section. The abatement of suicide of a person. You are abating the suicide of a person, and due to which the person is trying to commit suicide, or is killed, is punishment not up to 10 years, not up to 10 years. Would depend on the circumstances of case. Plus, fine. क्या आपने अबेटमेंट कर रही है सुसाइड करवाने की किसी की, और उसने बिल्कुल डायरेक्शन में क्या किया था, तो उसमें आपका फाइन लगेगा, लेकिन नॉट अप टू 10 years, आपका नॉट अप टू फाइन 10 years इम्प्रिजनमेंट, नॉट अप 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड देन दे इज फाइन ऑल्सो. फाइन तो है ही है, बस वो इम्प्रिजनमेंट डिपेंड करता है कितने साल की देखिए, लेकिन 10 साल की नहीं हो. फिर उसके बाद सेक्शन CDCO 7 of IPC. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन डी ऑफ सेवेंस एंड सेक्शन CDCO 8 ऑफ IPC. दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर. और ये है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि हम बीते हैं बड़ी क्लास में. सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये आप भी समझ सकते हैं, ये डे टू डे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. दैट समझ लो, यहाँ पे आप 5-6 फ्रेंड्स हो, आपको किसी और लड़के से प्रॉब्लम है, आप लोग ग्रुप बना के उसको खेल देते हो, आपको मारने लग जाते हो, आप उसको रॉड से मार रहे हो, इतनी पूरी तरह से मार रहे हो कि आपको लग रहा है उसकी डेथ हो रही है, वो हो सकती है, चांसेस है. देखिए आपने हत्या नहीं करी है उसको, मैंने आपको सबसे मैंने क्या बात, अटेम्प्ट क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू डू द एक्ट बट यू हैव फेल्ड, दैट एक्ट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड. हत्या नहीं हुई है इसमें, लेकिन आपकी पूरी कोशिश थी उसको इतना पूरी तरह से मारना है, इतनी पूरी तरह से मारना है कि वो मर जाए, लेकिन वो मर गया नहीं है, मरा नहीं है, वो मरा नहीं है अंदर. दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307. अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सेक्शन 308 ऑफ आईपीसी, दैट इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल. यू स्टडी दी थिंग इन डिटेल, तो ये मैं आपको समझा रहा था. फिर आता है आपका सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड देखिए सुसाइड क्या है, ये सब कुछ आपका जो राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड है, आप वो भी अपने आप से छीन रहे हो, आप आत्महत्या करने जा रहे हो, इवन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, वो आप नहीं कर सकते. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इसके लिए 1 ईयर जेल है, इसकी पनिशमेंट है 1 ईयर जेल, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. आप ये समझ ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पॉजिटिव क्योंकि राइट टू लाइफ जैसा कि मैंने वो कहा, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है, आपको खुद को भी नहीं राइट है अपनी हत्या करने का, आत्महत्या नहीं कर सकते. इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, उन केस लॉज के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन, आप समझ लो आए बैंक क्या आएगा. ज्ञान कौर पर्सन्स स्टेट ऑफ पंजाब. This is pertaining to
राइट टू लाइफ. अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ इज अरुणा शॉनबॉक केस. This is related to euthanasia. Euthanasia, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. Euthanasia होता है दैट यू आर लिटरली समझ लो भी आपने, अगर आप पैरालिसिस को अंडरगो कर रहे हो, आपको वेजिटेबल जैसी लाइफ है, तो आपकी कंसेंट के हिसाब से आप जीना ही नहीं चाहते हो, तो आप परमिट ले सकते हो दैट ठीक है आप मेरे को मेडिकल एड मत प्रोवाइड करो, मेरे को मरने दो, शांति से मरने दो. कुछ कंट्रीज ने वर्ल्ड में लीगलाइज किया है यूथनेशिया को, कुछ ने नहीं किया. अब ये सब किससे रिलेटेड है, जैसे ज्ञानगौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 राइट टू लाइफ, अरुणा शॉनबॉक केस यूथनेशिया, ये किससे रिलेटेड है जो मैंने आपको इससे पहले क्या समझाया था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी. क्योंकि और ये किससे रिलेटेड है, राइट टू लाइफ, बहुत ही बेसिक. तो आप देख सकते हैं इंटरनल रिलेटेडनेस कहां से आ रही है इन सब. क्या आपने देखिए ये जब हमने देखा, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी. दैट इज प्रीवियस कोड. व्हाट इज प्रीवियस कोड समझ लो, किसी को बहुत बुरी तरह से फिजिकल हार्म पहुंचा, बहुत बुरा बुरी तरीके से, ठीक है सर, बट आप कमेंट आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको एक हिसाब से कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर सकते हो अटेम्प्ट टू मर्डर से, समझ लो. प्रीवियस वर्ड की एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 6-7 लड़के उठ गए, उन्होंने यहाँ से वो किसी को ड्रॉप लिफ्ट की, कोई राइवल रही थी, दो लड़के और पीछ लिए, उन्होंने उनको हॉकी स्टिक से मारा, रॉड से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको हॉस्पिटलाइज किया है विक्टिम को, या उसका फ्रैक्चर हो गया है, इतनी बुरी तरह से मारा. तो व्हाट इज दिस, दैट इज यू आर पॉजिंग प्रीवियस हर्ट. एंड व्हाट इज प्रीवियस हर्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, इट्स अ फिजिकल. व्हाट इज दिस फिजिकल हार्म होना इसे बहुत जरूरी है. इट हैज नथिंग टू डू विद अ मेंटल एलिमेंट, फिजिकल हार्म होना ही चाहिए, इट्स ग्रीवियस हर्ट. फिर उसके बाद सेक्शन 320 मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद है ये, जैसे मैंने आपको समझाया है ये सारे कॉन्सेप्ट, ये किससे डील करते हैं, ये सारी चीजें किसके अंडर आ रहा है. मैंने हमको सबसे पहले बताया था आईपीसी डील करता है वेरियस ऑफेंसेज एंड शेयर पनिशमेंट. ये सारे ऑफेंसेज जो थे अभी तक मैंने आपको जो समझाए हैं, दीज आर ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट ह्यूमन वर्ल्ड, इसके बारे में मैंने आपको समझाया, जिसके मैंने आपको इतनी एग्जाम्पल दी, डेथ बाई नेग्लिजेंस, डबली डेथ, अवेटमेंट ऑफ सुसाइड, या मैंने आपको ये भी कहा अवेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड और अ माइनर. फिर मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड बताया, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, प्रीवियस वर्ड, ये मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स दी. नाउ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें सेक्शन सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी जो है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए दैट व्हेन एनी पर्सन इज ट्राइंग टू डू एनी एक्ट व्हाट्स डूइंग एन एक्शन, जिसकी वजह से जो विक्टिम है उसको ऐसा अप्रिहेंशन हो रहा है, दैट इज अ यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन. So that act also amounts to an assault, literally an assault, and it is punishable at a section 351 of IPC. Section 351 of IPC jo hai, jo maine aapko bataya, ek bahut important case law bhi hai, that is Stephens versus Mayer.
versus Linnaeus, ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है, मैंने आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में बताया हुआ था, ज्ञानपुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा मैंने आपको बताया था इसके बारे में जो ये यूथनेशिया से रिलेटेड था, अरुणा शॉनबॉग केस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आते हैं। ये मैंने आपको ये बताया। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे सेक्शन, ये अभी तक मैं उनको आपको जो समझा था, दिस दीज आर द ऑथराइज्ड अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 359 ऑफ आईपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किडनैपिंग, किडनैपिंग, आप ले रहे हो किसी, अगवा कर रहे हो, किडनैपिंग क्या होती है, किसी को अगवा कर, उसको कोई ऑब्वियसली जो बेचारा विक्टिम होता है उसका कंसेंट होता नहीं है किडनैप होने का, उसकी मर्जी के खिलाफ आप लेकर जा रहे हो, दैट इज किडनैपिंग। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, किडनैपिंग फॉर अनलॉफुल गार्जियनशिप, और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, अनलॉफुल गार्जियनशिप फ्रॉम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये सबसे डेंजरस है, आप समझ लो इस एक हिसाब से एक सोशल इविल भी है। कितने बच्चे आज की डेट पे इंडिया जैसे इतने बड़े नेशन में रिमोट एरियाज में दे आर स्मगल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे आर सोल्ड टू बी स्लेव्स एनी कंट्री, दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज किडनैपिंग, दैट इज द अनलॉफुल फ्रॉम अनलॉफुल गार्जियनशिप, अनलॉफुल गार्जियनशिप। तो आप किडनैपिंग को समझ सकते हैं दैट ये इससे रिलेटेड, अगवातन ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये भी करते हैं ऑफेंसिव इन स्विमिंग बॉडीज।